Hey everyone, welcome to Shroom's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with 4th chapter of class 9th history. So trust me, the chapter is going to be very interesting because we are going to study about forest society, that is, about those people who are directly dependent on forests and forest ke bare mein bhi. But पढ़ने हम बेसिकली ये वाले हैं कि जब कॉलोनाइज़म आया, मतलब जब अंग्रेज़ आए, तो उसकी वजह से उन्होंने फॉरेस्ट में और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनमें क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाए. ठीक है, सो अगर हम अभी भी अपने आसपास देखें तो अपने आसपास आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि फॉरेस्ट की मदद से हमारे पास है. लाइक पेपर, जो भी आप बुक यूज़ करते हो उस पर पेपर जो होता है वो भी फॉरेस्ट से बनता है. आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट. सो डेस्क, टेबल, फिर आपकी जो डोर्स हैं, आपकी जो विंडोज़ हैं, आपकी जो क्लोथ्स में जो कलर है वो तक फॉरेस्ट से आता है. आप जो स्पाइसेस खाते हो अपने खानों में, यानी कि जो मसाले खाते हो, और आप जो भी ये रैपर वगैरह यूज़ करते हो कैंडी का, ये सब कुछ जो है फॉरेस्ट से आता है. ठीक है, सेलोफेन रैपर जो होता है. ओके, सो और जो आप चॉकलेट्स खाते हो, मैनी ऑफ यू मस्ट बी लाइक सो फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, उसमें जो ऑयल्स होते हैं वो भी फॉरेस्ट से आते हैं. जो आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं, और जो भी आप लेदर के आप शूज़ पहन रहे हैं, बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये सब कुछ फॉरेस्ट से ही आता है. ठीक है, और काफ़ी ऐसे रूट्स हैं जो कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए होते हैं, वो भी फॉरेस्ट से ही आते हैं. फॉरेस्ट बैम्बू प्रोवाइड करता है, जो कि जिसमें और फ्यूल के लिए वुड प्रोवाइड करता है, ग्रास प्रोवाइड करता है, चारकोल प्रोवाइड करता है, फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट में है. ठीक है, सो अगर हम अमेजन फॉरेस्ट की बात करें जो कि वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, सो वहाँ पर हमें 5000 से भी डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीसीज देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट इन वन फॉरेस्ट पैच. मतलब फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, सो अगर आप एक पैच लो सो उस पैच में भी आपको 500 से ज़्यादा एनिमल, ये प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलती है. सो वी आर फॉरेस्ट आर सो रिच, राइट? सो ये जो डाइवर्सिटी है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, ये ना काफ़ी डिसअपेयर हो रही है. 1700 से लेके 1995 तक का जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस टाइम पे 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और वर्ल्ड का 9.3% जो है वो टोटल लैंड एरिया वो क्लियर कर दिया गया था. यानी कि मतलब मैं आपको इजीली समझा देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया. सो फॉरेस्ट्स के 13.9 मिलियन किलोमीटर्स, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और वर्ल्ड का 9.3%. ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस बेसिकली. ठीक है, सो ये क्लियर कर दिया गया था, क्लियर इन द सेंस सारे जो पेड़ थे उनको काट दिया गया था ताकि उधर पर इंडस्ट्रियल यूज़ किया जा सके, उधर पे कल्टीवेशन की जा सके और फ्यूल वुड वगैरह उधर बनाया जा सके. ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन क्यों? सो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बेसिकली? जब हम बहुत ही लार्ज नंबर में बहुत ही जल्दी और बहुत ही मतलब रैपिडली फॉरेस्ट को डिसअपेयर कर देते हैं, यानी कि बहुत ही रैपिडली जब ट्रीज़ की कटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, सो उस टाइम को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन कोई रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है, सेंचुरी से ही ये सारी चीज़ें होती आ रही है. और जब कॉलोनियल रूल आया तब सिस्टमेटिक हो गई ये सारी चीज़ें और एक्सटेंसिव हो गया. ठीक है, सिस्टमेटिक इन द सेंस कि जब ब्रिटिशर्स थे वो डिसाइड करके रखते थे, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर उसमें सब कुछ किया करते थे कि ठीक है आज हम ये फिक्स है कि आज हम इतना लैंड साफ़ करेंगे, आज हम इतना लैंड साफ़ करेंगे, अगले दिन हम इतना लैंड साफ़ करेंगे. सिस्टमेटिक मैनर में होने लग गया था सब कुछ. ठीक है, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड. सो बेसिकली 1600s में अप्रोक्सीमेटली यहाँ मतलब लैंड का, इंडिया का जो लैंड मास है उसका 1/6 वो कल्टीवेशन के अंडर था. ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ने लगी, राइट? सो ऑफकोर्स लैंड भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए, बिकॉज सपोज आपके पास इतनी लैंड है सो इस लैंड में आप 100 लोगों के लिए जो है वो क्रॉप उगा सकते हो. ठीक है, साथ बोलते हो कि ठीक है इन लैंड में मैं 100 लोगों का जो है उगा सकता हूँ. ठीक है, बट आप बोल रहे हो कि अब आपको 1000 रुपये का उगाना है, तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, अगर ये करना है तो मुझे लैंड भी उस हिसाब से बड़ा हो, राइट? सो वही चीज़ यहाँ पर उठी
कि अब जब डिमांड बढ़ रही है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फॉरेस्ट को क्लियर करो और लैंड निकालो, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड में जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। उसके दो रीजंस ये थे कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली एनकरेज करते थे कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जिनसे पैसा आए, पैसा मांगता है ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया के फेवर पे कभी कुछ सोचा? बिल्कुल भी नहीं सोचा। जो चाहते थे उनका पीछे का उनका जो मेन मोटिव था डैट वॉज देयर मनी ओनली। जब चाहे वो रेलवे लेकर आए, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन लेकर आए, सब कुछ के पीछे उनका मेन मोटिव था प्रॉफिट, ठीक है। सो जूट, शुगर और वीट और कॉटन जैसे क्रॉप्स वो उगवा रहे थे ज़बरदस्ती, और इतना फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था, ठीक है, उस टाइम पे। सेकेंड ये था कि कॉलोनियल जो स्टेट था उनको ऐसा लगता था कि ये जो फॉरेस्ट है ये अनप्रोडक्टिव है, ये किसी काम के नहीं है। इतने सारे अगर आपके पास फालतू के पेड़ पड़े तो आप इसका क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इनको काटो और जो लैंड बनती है उधर पे वो बनाओ, मतलब कैश क्रॉप्स उगाओ ताकि पैसा आए, है ना। और बेसिकली उनके पीछे का मेन रीज़न यही था कि स्टेट की इनकम को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। और 1880 से 1920s इस चार साल में जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 66.7 मिलियन हेक्टर से बढ़ चुका था, ठीक है, 40 सालों में। सो हमने देखा कि कल्टीवेशन का जो मतलब हम हमेशा जब कल्टीवेशन हो रही होती है हम उसे एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस ही देखते हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं तो उसका भी बाद में जो है हमें मतलब पूरा ब्याज देना पड़ेगा। स्लीपर्स ऑन ट्रैक्स, सो ट्रैक्स के जो स्लीपर्स होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो भी आपने देखा होगा कि जो भी रेलवे के ट्रैक्स होते हैं राइट, यहाँ पे एक ट्रैक होती है, यहाँ पे एक ट्रैक होती है, और बीच में ना ऐसे ऐसे लॉग्स लगे होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। सो ये जो लॉग होते हैं ये यहाँ से ऐसे लॉक्ड होते हैं ताकि ये जो ट्रैक है उसको ऐसे मतलब जोड़ के रखे, फंसा के रखते हैं वो ट्रैक्स, नहीं तो ट्रैक्स कहीं भी जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज स्लीपर्स। अर्ली 19th century में इंग्लैंड के जो ओक के फॉरेस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होने लग गए, और जो टिम्बर की सप्लाई था रॉयल नेवी के लिए, मतलब रॉयल नेवी के लिए टिम्बर का सप्लाई था, तो प्रॉब्लम आने लगी। अब जो इंग्लिश मैंस थे उन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, अब हम टिम्बर कहाँ से लेकर आए, मतलब शिप्स कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। फिर उनको याद आया, अरे यार इंडिया भी तो है। फिर उन्होंने ऐसी पार्टीज़ बनाई जिनका काम कुछ नहीं था, उनका काम था सिर्फ इंडियाज़ में आके फॉरेस्ट को ढूंढना कि तुम फॉरेस्ट को ढूंढो, कहाँ कहाँ है फॉरेस्ट, उनका काम ही यही था। और वो आ गए और उस टाइम पे बहुत ही वास्ट क्वांटिटी में टिम्बर जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा था। रेलवे का स्प्रेड फैल गया, ठीक है, 1850s में, और मतलब नई डिमांड बन रही थी रेलवे की, तो ऑफकोर्स उनके लिए भी वो चाहिए, अब वुड उसके लिए, फ्यूल के लिए भी चाहिए, और रेलवे लाइन्स पे स्लीपर्स के लिए भी चाहिए। स्लीपर्स क्या होते हैं मैंने आपको भी बता दिया। सो एक माइल के लिए हम मतलब एक से डेढ़ किलोमीटर के लिए 17,620 से 2,000 स्लीपर्स लगते थे। सो अब देखो कितना पेड़ जाएगा, बिकॉज स्लीपर्स की जो विड्थ है लेंथ है वो लगभग इतनी होती है, और विड्थ भी उनकी ठीक ठाक ही होती है, मतलब काफ़ी मोटे होते हैं वो, ठीक। सो 1860 में रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था, और 1890s के टाइम पे 1890s में 25,500 किलोमीटर तक ट्रैक बिछा दिए चुके थे, और 1946 में लगभग 50 साल है लगभग। सो ये जो नंबर है ये बढ़ करके 7,65,000 हो गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ 25,000 और यहाँ पे 7 लाख्स में ये पहुँच गया था, ठीक है। सो सोचो कितना लार्ज नंबर का ट्री इन लोगों ने काटे होंगे। अगर हम सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो एक साल में इन वन ईयर 35,000 ट्रीज काटे जा रहे थे। आप बोल रहे होंगे 35 ट्रीज यार बहुत ज़्यादा नंबर है, बट ये जो 35 ट्रीज है ये है सिर्फ ओनली फॉर स्लीपर्स, सिर्फ स्लीपर्स के लिए ही एक साल में, वो भी सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे। जस्ट इमेजिन, एक साल में एक एरिया के अंदर सिर्फ स्लीपर्स के लिए 35,000
पेड़ काटे जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने मतलब बोला कि क्या है ये, पेड़ काटो, ये क्या है पेड़ काटो। उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए भाई, रेलवे ट्रैक तो बिछेगी, फॉरेस्ट हो जाएगा, अब क्या जाता है हमारा, है ना। ये भी पेड़ है, ये भी काट दो, वो भी पेड़ है, वो भी काट दो, रखना ही क्यों है कुछ। सो यहाँ पे देखो कैसे एलिफेंट्स का यूज़ किया जा रहा है इतने बड़े बड़े टिम्बर्स को मतलब उठाने के लिए, ठीक है। सो प्लांटेशंस, अब नेचुरल फॉरेस्ट में जो लार्ज एरिया है वो साफ़ कर दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था, मतलब पेड़ काट दिए गए थे ताकि वहाँ पे टी, कॉफ़ी और रबर की प्लांटेशन हो जाए, और जो कि यूरोप की जो ग्रोइंग नीड है उसको वो पूरी कर सके, ठीक है। मतलब उन्होंने अच्छे खासे जो एक मिनट अच्छे खासे जो हमारे फॉरेस्ट थे उनको हटवाया, ठीक है, और उधर बनवाए उन्होंने चाय के बगान, टी के बगान, कॉफ़ी के बगान। वो भी क्यों? ताकि यूरोप की नीड पूरी की जा सके, यूरोप में है इस चीज़ की नीड। चाय का तो इंडिया में कुछ अता पता ही नहीं था, चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें तो थी नहीं इंडिया में। ये कौन लेकर आया? यूरोप से लेकर आया अपनी नीड पूरी करने के लिए, देख रहे हो आप। सो अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट पे तो हमारा राज है, फॉरेस्ट हम हैं, और उन्होंने यूरोपियन प्लांटर्स को बुलाया कि देखो हम आपके लिए तो क्या तोहफा लेकर आए हैं, और फॉरेस्ट को तो ऐसे झाड़ू मारा जा रहा था, ठीक है, और वहाँ पे फिर टी और कॉफ़ीज बनाई जा रही थी। तो यहाँ पे देखो एक प्लेजर ब्रांड टी है जिसका ये एक एडवर्टीजमेंट है, आई गेस, यस। अब कमर्शियल फॉरेस्ट्री का राइज। सो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स शिप्स और रेलवेज और अपनी जो रॉयल नेवी है उस उन चीज़ों के लिए जो है फॉरेस्ट उनको चाहिए था, बट अचानक से ब्रिटिशर्स का दिमाग में एक घंटी बजी और उन्हें लगा कि यार ये जो फॉरेस्ट है इनमें से जो पेड़ है वो हम भी ले जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से पेड़ ले जा रहे हैं ब्रिटिशर्स, और वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी तो ले ही जाएंगे, बिकॉज वो तो शुरू से ले जाते हैं, वो अभी भी ले जा रहे हैं। अब उन्हें लगा कि यार इस हिसाब से तो फॉरेस्ट बर्बाद हो जाएंगे, बिकॉज हम भी ले जा रहे हैं, लोकल लोग भी ले जा रहे हैं, और काफ़ी ट्रेडर्स भी ले जा रहे हैं, ही राइट। सब उन्होंने डिसाइड करा कि हमें कोई दिमागदार, कोई बहुत ही दिमाग वाला आदमी चाहिए जिसकी वजह से हम कुछ सोल्यूशन निकाल पाए, और ये जो बुद्धिमान इंसान थे वो थे एक जर्मन एक्सपर्ट ऑन फॉरेस्ट्री जिनका नाम था डिट्रिक ब्रेंडिस, ठीक है। सो डिट्रिक ब्रेंडिस ने बोला जी हाँ हम आ चुके हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो और उन्हीं को बाद में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बना दिया गया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, यस, ठीक है। सो ब्रेंडिस को ऐसा लगा कि यार हाँ ये जो चीज़ हो रही है ये इसलिए क्योंकि लोगों को कंजर्वेशन की साइंस नहीं पता है, कंजर्वेशन यानी कि बचाना, ठीक है। सो उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप लीगल सैंक्शंस लगाओ, मतलब यहाँ पे भी अपना लो थोपो की ये करो तो जेल हो जाएगी, ठीक है। सो एक फ्रेम बना दी गई जिसमें लिखा गया रूल्स, यस, जो ये काम था जो ब्रिटिशर्स करने में माहिर थे, डेट वॉज हर कहीं रूल बना देना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि अब हमने रूल्स बना तो दिए हैं, चलो अब फॉलो तो करनी ही पड़ेगी। सो उन्होंने बोला कि ना ही कोई ट्रीज को काट सकता है, ना ही ग्रेजिंग कर सकता है। ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग होता है अपने जानवरों को जब चराते हैं हम नहीं, मतलब जो चराते हैं, सो जो चराते हैं उस चराने को ही ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। सो और बोला कि ये नहीं किया जाएगा ताकि हम हमारे प्यारे टिम्बर के पेड़ों को प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। और ऐसा भी बोला कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें पनिश करेंगे, यही तो था ब्रिटिशर्स का, हमने लॉ बनाया है सो अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा वरना तुम जाओ जेल में, पनिश, ठीक है। सो ब्रेंडिस ने एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप करी 1864 में, और उसी की मदद से उन्होंने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1865 में, जिसमें उन्हीं की बेसिकली पूरा माइंडसेट था। सो
उसके बाद उन्होंने इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला देहरादून में 1906 में, जहाँ पे उन्हें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जा रही थी। क्या सिखाई जा रही थी? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साफ सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बना रही हूँ, बिकॉज आपको भी हंसी आने वाली है जब आप ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सुनोगे। सो काफ़ी लोग थे जो बोल रहे थे कि ये सिस्टम साइंटिफिक तो है ही नहीं, कैसा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है ये। सो इसमें उन्होंने बोला कि यार देखो ये जो ट्रीज है ना इनको काट दो, ये सारी ट्रीज हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ हम क्या करेंगे, हम प्लांटेशन करेंगे, मतलब रोज़ में प्लांट उगाएंगे हम लोग, लाइन में लगाएंगे सभी प्लांट्स को, और वो प्लांट होंगे बिल्कुल सीधे प्लांट, बिल्कुल सीधे प्लांट्स लाइन में लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये इसीलिए क्योंकि जो प्लांट ऐसे झुका हुआ है या मुड़ा हुआ है उसके वुड काम नहीं आ सकती है स्लीपर्स बनाने के लिए। सो उन्होंने बोला ये हम करेंगे एंड दिस इज़ द न्यू वे, ठीक है। सो हाँ ये था उनका साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और इसको प्लांटेशन बोला गया ऑफ कोर्स। फिर जो फॉरेस्ट फैक्ट एक्ट था उसको इनैक्ट किया गया 1865 में, और इसको दो बार अमेंड किया गया, एक बार 1878 में और एक बार 1927 में। सो जो 1878 का एक्ट था ना, अब देखो ये ब्रिटिशर्स थे तो बहुत चालाक, सो इनको पता चल गया था कि हाँ इतना बड़ा भारत है, सो भारत में बहुत सारे जंगल है यार, ठीक है। अब इतने सारे जंगल्स पे तो अब हम जाके राज नहीं कर सकते हैं, सो उन्होंने फॉरेस्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो एक वाला फॉरेस्ट जहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो चीज़ें मिलती थी उनको उन्होंने बोल दिया गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब ये रिजर्व किए गए हैं, इधर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे थे प्रोटेक्टेड, सो प्रोटेक्टेड वन जो थे वहाँ पर भी विलेजेस नहीं जा सकते थे, बट यहाँ पे जा सकते थे अगर वो परमिशन ले लें, ठीक है, परमिशन ग्रांटेड तो आप जा सकते हैं, बट इधर तो कोई जा ही नहीं सकता। और अगले आते विलेजेस के जहाँ पे तो वो रह सकते हैं, और उनको ऐसा लगता था कि जो विलेजेस फॉरेस्ट है उधर कुछ भी काम का नहीं होता है, सो वो विलेजेस वहाँ जाके ग्रेजिंग वगैरह कर सकते थे, ठीक है। सो अब लोगों की ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जो फॉरेस्ट, देखो ना मान लो आप मुंबई में हो, ठीक है, आप मुंबई में हो और आपको ऐसा पता चल रहा है कि ठीक है देहरादून के एक गांव में ऐसा ऐसा हो गया, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप शहर में रहते हो और आपका कमाने का सोर्स शहर का कोई भी चीज़ होगा, ठीक है, आप एग्रीकल्चर पे नहीं डिपेंडेंट हो। और कहीं देहरादून में जाके ठीक है कहीं ऐसा सब कुछ हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, सो आप बोलोगे तो हो गया मेरे को क्या, राइट। सो वैसे ही, बट जो फॉरेस्टर्स और विलेजर्स थे उनको तो लग रहा था ना कि यार ये तो हमारा रहना है, ये तो हमारा खाना है, हमारे साथ ये क्यों हो रही है नाइंसाफ़ी। सो उनकी जो डेली नीड्स थी सब कुछ फॉरेस्ट से आया करता था, उनका घर तक फॉरेस्ट की चीज़ों से बना था, तो अब वो लोग क्या करते, राइट। सो उन्हें अब जो ट्रीज चाहिए थे वो लंबे और स्ट्रेट चाहिए थे, जैसे कि टीक और सालगिन को प्रमोट किया जाता था, बाकी को काट दिया गया, ठीक है। फॉरेस्ट एरियाज में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि रूट, लीव्स और फ्रूट्स और ट्यूबर्स, ठीक है, जो फ्रूट ट्यूबर्स क्या होते हैं, सो ट्यूबर्स आर थिंग्स जो कि रूट्स होती हैं बेसिकली, जिन रूट्स को हम खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, हमारा प्यारा आलू, जी हाँ वो भी एक ट्यूबर ही होता है। सो वैसे ही ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, और काफ़ी हर्ब्स है फॉरेस्ट में जो मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है, बैम्बू जैसी चीज़ें हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम है। सो इन चीज़ों को वेस्ट किया जा रहा था बिकॉज उनको तो सिर्फ दो चीज़ें चाहिए थी, डेट वॉज एक मिनट, डेट वॉज सॉल एंड टीक, ठीक है, ये दो ही चीज़ उनको चाहिए थी बेसिकली, उनका मेन एम यही था कि ये हमें चाहिए क्योंकि ये स्ट्रीट हैं। अब जो फॉरेस्ट एक्ट था, अब विलेजर्स को काफ़ी बुरा लग रहा था कि यार आफ्टर ऑल जो धरती जो उनका है ही नहीं, मतलब अब देखो ना फॉरेस्ट ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने फॉरेस्ट उगाए कि वो बोल रहे कि ठीक है फॉरेस्ट हमारे हैं, राइट, बट अब क्या कर सकते। फिर उन्होंने ग्रेजिंग और फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करना, हंटिंग जैसी चीज़ों को सभी को इलीगल घोषित कर दिया गया कि ये सब कुछ तो इलीगल है, आप तो कर ही नहीं सकते, वाह। सो अब लोगों को मतलब ना चाहते हुए भी फॉरेस्ट से वो स्टील करने लग गए चीज़ें, बिकॉज अब देखो ना
अगर आज से मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो इंटरनेट में बंद करो और आपको इंटरनेट यूज़ ही नहीं करने दूंगी, तो आप कहीं ना कहीं से भी जाके मतलब जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से इंटरनेट ले ही आओगे, मतलब चाहे फिर वो आपको ऐसे स्टडी मटेरियल के लिए चाहिए या आपने डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए चाहिए, बट इंटरनेट तो आपको चाहिए, राइट? सो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि नहीं अब मैं आपको इंटरनेट नहीं दूंगी, तो आप कहीं से भी जुगाड़ करके अपना इंटरनेट ले ही आओगे, राइट? सो वही इन लोगों के साथ हो रहा था, क्योंकि उनके तो खाने के ऊपर आ गया था ना कि वो खाना क्या खाएंगे यार, वो रहेंगे कहाँ, उनके पास यही तो डर था। सो उन्होंने अब चुपके से जाकर मतलब लकड़ियाँ को चुराना शुरू कर दिया, और अगर कोई फॉरेस्ट गार्ड उनको रोक ले कि अरे भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ से अपरे, तो वो उनको बोलते थे कि यार देखो ना थोड़ा सा तो मान लो, बदले में हम आपको देते हैं ना ब्राइब। सो उस ब्राइब के बदले में जो वो ब्रिटिश जो गार्ड होता था वो बोलता था ओके नो प्रॉब्लम, जो करना है करो, आपको दे दो ब्राइब दे दो। जो वुमेंस थी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी कि वो फ्यूल वुड कैसे लेकर आए, मतलब अगर उनको खाना बनाना है तो ऑफकोर्स वो जलाएंगी ना लकड़ी, तभी तो वो खाना बना पाएगी, तो उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। सो अब जो पुलिस कांस्टेबल थे और जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे वो फ्री फूड डिमांड करने लग गए थे कि अगर तुम्हें लकड़ी चाहिए तो तुम फ्री फूड दो, मतलब वो खुद बहुत ही करप्ट थे वैसे बेसिकली। जो फॉरेस्ट रूल्स थे उनकी वजह से कल्टीवेशन में क्या इफ़ेक्ट आया, सो देखो जो सबसे मेजर इम्पैक्ट आया यूरोपियन कॉलोनाइजेशन में डैट वॉज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बिकॉज देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चल रहा था और ब्रिटिशर्स ने ये बंद करवा दिया। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आई गेस। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फिर आपको बता देती हूँ कि जब आपके पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारी लैंड है मतलब एक लार्ज पीस ऑफ लैंड, सपोज दिस इज़ अ फॉरेस्ट, सो दिस इज़ अ बिग फॉरेस्ट, सो आप फॉरेस्ट का एक पार्ट लोगे सपोज दिस पार्ट, तो आप क्या करोगे वहाँ की जो वहाँ पे जो भी उग रहा है उसको जला दोगे, और जब आप उसको जला दोगे तो आपके पास बचेगा ऐश। सो जो ऐश आप जब वो सॉइल के साथ मिलेगी तो वो बनेगा फर्टाइल, जब वो फर्टाइल हो जाएगी तो आप वहाँ पे कोई भी जब चीज़ उगाओगे सो ऑफकोर्स वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। बट जब आप ऐसा करते हो सो ऑफकोर्स उस लैंड की जो है वो फर्टिलिटी कुछ टाइम के लिए चली जाती है कि ठीक है अब थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट दे दो, सो वो लैंड जो है वो ब्रेक पर चली जाती है अमन ब्रेक, और उसी टाइम पे जब तक वो ब्रेक पे है आप दूसरे लैंड मास में जाके सेम चीज़ प्रैक्टिस करोगे, फिर वो भी ब्रेक में चली जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके आप दूसरे ब्रेक पे चले जाओगे, और तब तक जो है तीसरी वाली लैंड वो फिर से वो हो जाएगी, तो आप ऐसे सर्कल 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 में चलते रहते हो, ठीक है? सो ऐसा एक साइकिल बन जाता है बोल सकते हो। सो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है, जैसे जो साउथ ईस्ट एशिया है उधर इसको लैडिंग बोला जाता है, और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोला जाता है, अफ्रीका में अगर हम देखें तो इसको तवी या फिर चितमेनी जैसे बोला जाता था, और श्रीलंका में चेना, और इंडिया में धाया पेंडा बेवार नेवार झूम पोडू कंडार और कुमरी जैसी इनको लोकल लैंग्वेजेस में बोला जाता था, मतलब स्वीडन एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मतलब क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया। सो जो लैंड है उसको अब 12 से 18 साल लगते थे फिर से ग्रो होने पे। सब यूरोपियंस को लगा कि यार अब जब ये हो रहा है तो वो लैंड तो तब तक काम की नहीं है, तो अगर वो लैंड काम की नहीं है, अगर ये लोग ये चीज़ नहीं करे तो उस 12 से 18 साल में हम और कितना ज़्यादा लैंड उगा सकते हैं, ठीक है? सो अब कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही था, तो उन्होंने बोला कि ये जो प्रैक्टिस है ये फॉरेस्ट के लिए काफ़ी हार्मफुल है, और इसकी वजह से जो है फॉरेस्ट की कल्टीवेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। और देखो काफ़ी सालों तक जो है मतलब हर एक लैंड में जो है ट्री नहीं उगा पाएंगे हम, और अगर आग लग जाती तो क्या क्या आपके पास गारंटी है कि आपने इस लैंड में आग लगाई तो इसी में लगेगा, पास वाले पेड़ में लग गई तब तो पूरा जंगल जल के राख। तो उन्होंने बोला कि और इतना जो वैल्यूएबल टिम्बर है वो भी जल जाएगा, राइट? सो इतना रिस्क तो हम नहीं लेंगे, ठीक है? सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया गवर्नमेंट ने, ठीक है? सो अब हंट कौन कर सकता था, शिकार कौन कर सकता था? अब नए नए लॉ जो है वो पास किए ही जा रहे थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर भी, ठीक है? सो फॉरेस्ट लॉ से पहले हर एक पर्सन जो है वो जाके मतलब डियर हंट करता था और छोटे छोटे एनिमल्स को ताकि वो खा सके उसको, है ना? बट जब ये प्रैक्टिस आई और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला नहीं ये बहुत बुरी चीज़ है, दिस अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी।
बट ये इतना धोखलापन था इनका पीछे से, ये खुद बहुत ही बिग गेम करके हंटिंग को बहुत ही बिग गेम इन्होंने बना दिया और खेलने लग गए। सो इंडिया में हंटिंग जो है वो ट्रेडिशनल टाइम से चलता आ रहा था, राजा महाराजा उस टाइम पे जितना बड़ा जानवर मारते थे उनको उतना बड़ा माना जाता था, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि कितने काफ़ी सारे टाइगर्स और वुल्फ्स मारे गए थे, ठीक है। सो एक थे महाराजा ऑफ सरगुजा जिन्होंने अकेले एक 1157 टाइगर्स और 2000 लेपर्ड्स को मारा था, ठीक है। सो दिस इज़ अ लास्ट नंबर। नई ट्रेडर, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। देखो ये जो चीज़ थी इसका सिर्फ इंडिया में नहीं बट ऑल ओवर वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ रहा था, बिकॉज देखो जो रबर है वो मिड 19th सेंचुरी में उसकी डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ चुकी थी, और जो मुंद्रोको पीपल्स है ब्राज़ीलियन अमेजोन में जो कि मतलब जो कि उन विलेजेस में रहा करते थे जिनका हाई ग्राउंड है, ठीक है, और मैंने एक वो कल्टीवेट किया करते थे। सो उन्होंने वो क्या करने उन्होंने क्या करने लगा कि वो जो रबर ट्री है उसका लेटेक्स इकट्ठा करते थे और उसको सप्लायर्स में बेच दिया करते थे, ठीक है। सो ग्रेजुअली लोगों की लाइफ जो है वो टोटली ट्रेडर्स पे डिपेंड करना शुरू कर हो गई थी। इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नए नहीं थे, लोग पहले से ही फॉरेस्ट की चीज़ों का यूज़ करते थे, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए भी एलिफेंट्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे। सो हॉर्न्स हो गए लोग जानवरों के, सींग हो गए, सिल्क के कुकून, आयरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस, गम्स, रेजिंस, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, जो कि बंजारा जैसे लोग जो है वो बंजारा जैसे जो लोग हैं जो नोमैडिक लोग हैं वे बंजारा जैसे जो लोग हैं वो यूज़ किया करते थे ताकि मतलब जी सके। सो जब ब्रिटिशर्स आए तो ट्रेड जो है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही ज़्यादा कम कर दिया। ब्रिटिशर्स ने जो बड़े बड़े यूरोपियंस थे उन्हीं को राइट दे दिया और उन्हीं को बोला कि तुम ही इन फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है तुम्हारे पास ही है भाई सोल राइट, मतलब कुछ भी। सो ग्रेजिंग जो थी और हंटिंग वो लोकल लोगों को बिल्कुल ही बंद कर दी गई। जो पेस्टोरलिस्ट थे और नोमैडिक्स थे जैसे कि कोरावा, कराचा, येरुकुला, पेस्टोरिस्ट और नोमैडिक्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, हमने डिस्कस करा है लास्ट क्लास में ही, मतलब जो लास्ट क्लास थी हमारी 8th में शायद, आई गेस। सो इन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जा रहा था बिकॉज ये लोग मतलब बिकॉज उनकी बात नहीं मान रहे थे ब्रिटिशर्स की। सो पेस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो बहुत जो मतलब भेड़ बकरियाँ चराते हैं, और नोमैडिक वो जिनका एक कोई भी मतलब वो नहीं होता रेजिडेंस, तो वो और जंगल में जाते रहते थे इसलिए लोगों को ऐसा लगता था कि ये मतलब इनको ये क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, ठीक है। और इनको फोर्स किया गया कि ये फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशंस में काम करे और गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर। सो असम में मैन और वुमेन दोनों को ही मतलब दोनों को ही फॉरेस्ट कम्युनिटीज जैसे संथल और आराम फ्रॉम झारखंड एंड गॉन फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन, ये सारे टी प्लांटेशन पे काम करते थे। और आपको पता है इनको ना टी के उन बगानों से ना बाहर भी नहीं आने देते थे। सो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आपको क्या लगता है ये सब चुप रहेंगे? ऑफकोर्स नहीं रहेंगे, सभी को गुस्सा आ रहा है, सभी को गुस्सा आएगा, ठीक है। सो उस टाइम पे कुछ ऐसे लीडर्स थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जैसे सिद्धू कन्नू जो कि सेंथल प्रेगनेंस के थे, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के, और अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के जो कि अभी भी जो पुराने गाने और स्टोरीज है उनमें उनको याद किया जाता है, ठीक है। सो वैसे ही एक डिटेल्ड रिबीलियन है हमारे पास किंगडम ऑफ बस्तर का इन 1910। सो बस्तर के जो लोग बस्तर बेसिकली कैसे मतलब बस्तर के लोग कैसे थे? सो बस्तर छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट जगह पे था जो कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा और महाराष्ट्र के बॉर्डर में था। सेंट्रल पार्ट जो था बस्तर का वो प्लेट्यू था, और उसका नॉर्थ इस प्लेट्यू का जो नॉर्थ है वो छत्तीसगढ़ प्लेन का था, और जो साउथ है वो गोदावरी प्लेन का। एक रिवर चलती थी इंद्रावती, और जो विंड है वो बस्तर में ईस्ट टू वेस्ट जाया करती थी, ठीक है। सो काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे वहाँ पर बस्तर में, जैसे मुरियागोंद, धूरवास, फातरास, हलबाज, डिफरेंट ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, कस्टम्स और बिलीफ थे इनके, बट कहीं ना कहीं ये एक कॉमन कल्चर मतलब शेयर करते थे कि उनका जो मतलब लैंग्वेज अलग थी बट उनकी इच्छा और उनकी मान्यताएं सेम ही थी।
सो वो बेसिकली अर्थ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और कोई भी फंक्शन होता था तो वो अर्थ को ऑफर ही करते थे, मतलब कोई भी चीज़ अर्थ को देते थे खाने के लिए. मतलब उनका ये मानना था कि जो फॉरेस्ट है वो अर्थ ने गिफ्ट दिए हमें, मतलब वो अर्थ को एज अ लिविंग बींग ट्रीट करते थे. सो उनका मानना ये था कि रिवर्स, फॉरेस्ट और माउंटेन्स की जो स्पिरिट्स है, स्पिरिट्स उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अर्थ की स्पिरिट को भी वो ऐसी चीज़ें ऑफर किया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे. ठीक है. सो लोकल जो लोग थे उनको ये लगता था कि इन लोगों को अपने विलेजेस, अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ठीक है. जब भी कोई दूसरे विलेज से कोई आ जाता था तो उनको भी उनका फॉरेस्ट यूज़ करने देते थे, और थोड़ी सी उनसे स्मॉल फी उनसे ले लिया करते थे. ठीक है. और स्मॉल फी उनसे ले लिया करते थे. हाँ, जो विलेजेस थे वो वॉचमैन्स भी लगाते थे ताकि वो बचा सके अपने इन स्पिरिट्स को, इन चीज़ों को. ठीक है. हर साल पे एक बड़ा हंट किया जाता था हेडमैन्स का विलेजेस में, इन अ प्रगना जो कि क्लस्टर होता था, और वो डिस्कस किया करते थे ये सारी इशू फॉरेस्ट को लेकर. अब लोगों के दिल में डर क्या था, द फियर्स ऑफ पीपल. जब कॉलोनाइजल गवर्नमेंट ने ये मतलब फॉरेस्ट, 2/3 फॉरेस्ट रिजर्व कर लिया 1905 में, तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दी, हंटिंग बंद कर दी, और फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है वो भी कलेक्ट करने लगे. तो ऑफकोर्स लोग जो थे बस्तर के उनको काफ़ी बुरा लगने लगा, और कुछ किसी ने सोचा कि हम रिजर्व फॉरेस्ट में ही रहेंगे. तो उधर उनको बोला कि ठीक है तुम हमारे लिए फ्री काम करो, ये तुम हमारे लिए फ्री काम करो और तुम्हें रिजर्व फॉरेस्ट में रहने दिया जाएगा, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला. सो अब उनका काम था कि वो उसको प्रोटेक्ट करे ज़बरदस्ती. ठीक है. और उनको फॉरेस्ट विलेजेस बोल दिया गया था. सो उनको कोई नोटिस या कंपनसेशन नहीं दिया जाता था, मतलब विलेजेस को उनके लैंड रेंट्स बढ़ा दिए जाते थे, और उनके लिए उनको फ्री लेबर की डिमांड की जाती थी. ठीक है. और इसी की वजह से 1899 और 1900 और उसके बाद 1907 और 1808 में फेमाइंस आए, दो बहुत ही बड़े बड़े. ठीक है. अब जो लोग थे उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दिया, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लोगों ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया. जिन्होंने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया डैट वर ध्रुवाज ऑफ कांगर फॉरेस्ट, जिनका कोई सिंगल लीडर नहीं था, मतलब इंपॉर्टेंट फिगर्स थे काफ़ी. ठीक है. सो 1910 में वो मैंगो के बर्ग्स और अर्थ के लाम चिलीज और एरो ये सब कुछ सर्कुलेट किया करते थे विलेजेस में, और बताते थे कि जी हाँ रिबिलियन का टाइम आ चुका है. सो हर एक विलेज जो है वो इस एक्सपेंशन पे भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करता था. बाजार को लूट लूट किया जाता था, फॉरेस्ट और ट्रेडर्स को भी, मतलब उनको भी लूट दिया जाता था, स्कूल्स और पुलिस स्टेशन वगैरह को चला दिया जाता था और रोक कर दिया जाता था. ऐसी सिचुएशन में विलियम वॉर्ड जो कि एक मिशनरी थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा और लिखा कि हर डायरेक्शन में जो जगदलपुर का जो पुलिस मर्चेंट्स और फॉरेस्ट पी उनसे पोस्ट मार्टर्स है और इमिग्रेशन है, वो सारे जो है वो जो इसमें आ रहे हैं, क्या सही जगह का नाम, जगदलपुर में. अब ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स भी इसके खिलाफ कुछ करेंगे, उन्होंने भी अपने ट्रूप्स भेजे, बट जो आदिवासी लीडर्स थे उन्होंने बोला कि यार लड़ाई क्यों करनी है, चलो बैठ के बात कर लेते हैं, बट ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, और उन्होंने उनके सारे कैंप्स और उस पर आग लगा दी. फिर ऑफ कोर्स लोगों को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी उसके खिलाफ लड़ाई करी, और काफ़ी बड़ा ये लड़ाई चला. ठीक है. बट 3 मंथ लग गए थे ब्रिटिशर्स को फिर से कंट्रोल रीगेन करने में. हाउएवर उन्होंने फिर भी वो गुंडाधूर जैसे कैप्चर जगहों को कैप्चर नहीं कर पाए, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने इन सारी चीज़ों को लेकर. ठीक है. कुछ लोग अभी भी फॉरेस्ट और मतलब उनको रिजर्व कर रहे थे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. ठीक है. सो वर्ल्ड बैंक ने सोचा, मतलब इसके बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी, वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि 4,600 हेक्टर्स पे हम सॉल उगाएंगे, जो कि मतलब नेचुरल सॉल को हटा कर जो है वहाँ पे ट्रॉपिकल पाइन उगाएंगे. बट जब भी ऐसा कुछ होता था नेचुरल चीज़ों के साथ, जब भी खिलवाड़ किया जाता था, तो ऑफकोर्स चीज़ें अच्छी नहीं होती थी. इसीलिए फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा. जावा एक काफ़ी फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में. ठीक है. जो कि मोस्टली फॉरेस्ट से ही इंक्लूडेड है, ज़्यादातर इसमें फॉरेस्ट ही हैं.
सो जो कॉलोनियल पावर है इंडोनेशिया का वो डच का हुआ करता था बेसिकली, ठीक है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है इन सारे में कि इंडोनेशिया और इंडिया में, जावा इंडोनेशिया में जो है वो डच ने स्टार्ट करा था, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करा था। वो भी यही चाह रहे थे कि वो शिप्स वगैरह बनाएं, और 1600 में जावा की जो पॉपुलेशन है वो 3.4 एस्टिमेट की गई थी, 3.4 मिलियन। सो जो भी फर्टाइल प्लेन्स थे उनको उनको मतलब साफ़ कर दिया गया, और शिफ्टिंग कल्टिवेशन उधर फॉलो की जा रही थी। सो डच की कुछ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी टेरिटरी जो उन्होंने कंट्रोल करी वो सिर्फ लोग नहीं थे, डच ने फॉरेस्ट को भी मतलब फॉरेस्ट लॉ इनैक्ट कर दिए, और अलग अलग पर्पजेस के लिए वो लकड़ी काट के लाते थे, विलेजेस को पनिश करते थे अगर वो मतलब ग्रेजिंग्स वगैरह करते थे और ट्रांसपोर्टेशन करते थे बिना किसी परमिट के, और फॉरेस्ट में ट्रैवल करते थे अपने हॉर्स कार्ट या कैटल को लेके, तो ऑफकोर्स उनको पनिश किया जाता। जैसे इंडिया में होता था मैनेज, नीड ये थी कि वो फॉरेस्ट को मैनेज कर सके ताकि शिप बिल्डिंग हो सके और रेलवेज जो है वो मतलब बन सके, ठीक है। सो 1882 में 22,80,000 स्लीपर्स को यूज़ कर दिया गया था, जो कि सिर्फ जावा से ही निकला था, एक्सपोर्टेड अलोंग फ्रॉम जावा, ठीक है। इतना सब कुछ हमें देखने को मिल रहा था। लोग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्लीपर्स को प्रिपेयर करने के लिए लोग जो है बहुत लार्ज नंबर में ट्रीज को काट रहे थे, ठीक है। और फ्री लेबर्स और लोग जो है वो बोल रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो डच थे वहाँ पर, वो ये बोल रहे थे कि अगर तुम चाह रहे हो कि जो भी ये चीज़ हो रहा है और तुम्हें रहना है यहाँ पे, तो तुम हमें फ्री लेबर प्रोवाइड करो, और जो भी तुम्हारी बफेलोज है उसको मतलब मदद करो उनसे। और इस सिस्टम को बोल दिया गया ब्लैंड डॉग डाइंगसन सिस्टम, ठीक है। फिर आता है सैलमन का चैलेंज। सो 1890 में सुरोंतिको सैलमन ऑफ रिंडन बर्टोंग विलेज, सो वो बोलते हैं कि ये जो स्टेट है ना, जो ये बोल रहे हैं ना, इन्होंने हवा बनाई, ना इन्होंने धरती बनाई, ना इन्होंने पानी बनाया, ना इन्होंने लकड़ी बनाया, फिर ये कौन होते हैं बोलने वाले कि ये सब कुछ का ऑनर ये है। और जब भी इन्होंने बोला तो लोगों के कान खड़े हो गए कि यार हाँ सही बोल रहा है ये, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि ये हम इनकी लैंड है। फिर उसी के बाद सैलमन के जो सन इन लॉ थे उन्होंने भी इस आइडिया को फॉलो करा, और जो लोग सैलमन को उस टाइम पे सपोर्ट करते थे उनको सैलमनिस्ट बोला गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स डच को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और लोगों ने टैक्स पे करने के लिए और लेबर को होम करने के लिए मना कर दिया उस टाइम पे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड आया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ठीक है। जावा जो कि जापानीज ऑक्यूपाइड रीजन था, जो कि डच फॉलो कर उसके बाद जिसने डच ने उनको कर लिया था, ठीक है। सो सॉ मिल्स, काफ़ी बड़े बड़े जायंट लॉग्स पीक्स के वो जला दिए गए, बहुत सारा जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी तोड़ दी गई थी। जापानीज ने बोला कि फॉरेस्ट को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, हम इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, हमें चाहिए ही नहीं कुछ। सो वॉर के बाद इंडोनेशियन फॉरेस्ट को फिर से मतलब वो लैंड में रिवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और लोगों को निकाल दिया गया था, ठीक है। और फॉरेस्ट्री के लिए नई नई डेवलपमेंट की जा रही थी, जैसे 1980s में एशिया और अफ्रीका के अक्रॉस गवर्नमेंट ने मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सेटअप करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और टिम्बर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल बन गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर कलेक्ट किया जा सके काफ़ी जगहों पे इंडिया के अक्रॉस भी, जैसे मिजोरम टू केरला जो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट थे वो सर्वाइव हो पाए बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे सेकर्ड ग्रोव जिनको बोला जाता है सरनास, देवरा कुदू, कन, राई, इन चीज़ों की वजह से। जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिस्ट थे और इन्वायरमेंट थे वो सोचते हैं कि मतलब ठीक है, फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है, और उनको लगता है कि अलग चीज़ें भी हमें फॉलो करनी चाहिए। सो येस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो ऑन द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक डेट, द चैप्टर वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, एंड द अपकमिंग चैप्टर विच इज़ चैप्टर 5 इज गोना बी द लास्ट चैप्टर ऑफ आर क्लास 9th हिस्ट्री। सो देन विल गोना जम्प ऑन क्लास 10th। सो येस, make sure you watch the videos if you want to be like just be regular in the videos, and we'll be doing history then other subjects as well. So yes, thank you very much.